योजनाओं को अटका कर रखने वाली सरकारी नीतियों की इस कहानी में दर्द है जनता का। आग लगी हो इसमें एक बूथ भी पानी नहीं, जाए जाए एक एक बूथ भी पानी नहीं, ना उसका कोई पौधा भी लगाता। योजनाओं को लटका कर रखने वाली सरकारी बीमारी की इस कहानी में गुस्सा है आम आदमी का। जमीन से ससुर बैठे बैठे ले लेले ने जनता का कौन देखत है, का देखत है, कौन जमीन रह गल बिस्ता दू बिस्ता चार बिस्ता वहू के जमीन का नाव काट के अपने घरे बैठल है, बताओ कि हमने कैसे बच्चा जिया। योजनाओं को भटका कर रखने वाली सरकारी सोच की इस कहानी में कबूलनामा है सरकारी निकम्मेपन का। आज के डेट भी जो है परियोजना पे धन आवंटन तो हो जाता है, लेकिन उसका कहां कैसे खर्च किया जाए इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। और जनता से टैक्स लेकर जनहित की योजना पर रुलाने वाली सरकारी सुस्ती की आज की कहानी में किस्सा है आपके नुकसान का। 20 साल से हमारे बागा क्षेत्र गया और ये हमारा खेती गया, इसका कोई भी फायदा नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं हर काम को अटकाने भटकाने लटकाने की प्रवृत्ति से देश अब काफी आगे निकल चुका है, लेकिन देश में अब भी योजनाओं के लटके रहने से राष्ट्र पर 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया। तो हो ये रहा है कि आप टैक्स देते हैं, सरकारें आपसे टैक्स लेती हैं, कहती हैं जनता से मिले टैक्स के बदले विकास देंगी, आपके टैक्स से मिले पैसे से देश में विकास की योजनाओं में कहां कितना खर्च होना है बजट में बताती हैं, उसी से आपको सड़क बिजली अस्पताल स्कूल रोजगार जैसी तमाम जरूरी चीजें मिलती हैं। लेकिन आज घंटी बजाओ शो में हम आपको दिखाएंगे कैसे सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी से देश के टैक्स पेयर का लाखों करोड़ रुपए अटक जाता है। बताएंगे कैसे सरकारी विभागों में आपसी सहमति ना होने से सुविधा को जनता तरसती है, और दिखाएंगे कैसे सरकारी योजनाओं में सरकारी गलती के कारण टैक्स पेयर अरबों रुपए का बोझ उठाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अच्छा, आप किसी काम के लिए कोई मिस्त्री, प्लंबर, कारपेंटर या कोई दूसरा कारीगर बुलाएं और वो आपसे कहे कि भाई साहब 5,000 रुपए में काम होगा, 1 महीने में पूरा हो जाएगा, फिर वो 5 दिन का काम करे और छुट्टी पर चला जाए, इस बीच जो सामान लगना था बाजार में वो महंगा हो जाए, तो अब आपको पता चले कि 5,000 वाला काम तो अब 10,000 रुपए में होगा और काम पूरा करने में 1 महीने की जगह अब लग जाएंगे 2 महीने, तो आप यही कहेंगे ना कि भैया अटकाना लटकाना भटकाना बंद करो। यही तो आज आपको कहना भी है, लेकिन सरकारों से जो जनता से इनकम टैक्स, जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, रोड टैक्स और दर्जनों सेस लेकर उस पैसे से सरकारी योजना पूरी करने में ऐसा अटका लटका भटका रही है कि सालों लग जाते हैं, योजना पूरी नहीं होती और पैसा आपका बर्बाद होता है। इसीलिए आज राष्ट्रधन की रक्षा के लिए जरा जोरदार घंटी बजा दीजिएगा। ये कृष्णा नदी की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में बहने वाली कृष्णा नदी, वो कृष्णा नदी जिससे सूखे का संकट झेलते 3 जिलों की प्यास बुझानी थी, वो कृष्णा नदी जिससे किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाना था, जिस पर एशिया की सबसे बड़ी स्पेशल सिंचाई योजना का काम होना था, लेकिन जनहित की एक बहुत बड़ी योजना में आखिर हुआ क्या? सरकारी कुनीतियों की झाड़ियां कैसे देश की जनता को नुकसान पहुंचाती हैं? वो सच आज आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पानी की किल्लत थी, सूखाग्रस्त इलाकों में पानी कैसे पहुंचाया जाए इसका कोई विकल्प नहीं था। सन 1991 में एक विकल्प निकाला गया, कृष्णा नदी के पानी को लगभग 200 फुट ऊंचाई पर उठाकर इसे पहाड़ी पर बसे हुए सांगली, सातारा और सोलापुर के तालुकाओं तक पहुंचाया जाए।
1991 में इस परियोजना की नींव रखी गई, लेकिन 28 साल बाद भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 28 साल में महाराष्ट्र में 6 चेहरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 28 साल में महाराष्ट्र के कई मुख्यमंत्री केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन 28 साल में कृष्णा नदी पर बनने वाली सिंचाई योजना पूरी नहीं हो पाई। 28 साल तक जब कोई परियोजना लटक जाती है तो कल्पना कीजिए कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ होगा। इस जो आप ये खुदाई का काम देख रहे हैं, जो पहाड़ काटकर टनल बनाया गया है, इसका काम मधुकौन नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको मिला था। इतने वर्षों तक यह परियोजना चली, कॉन्ट्रैक्टर को इतने समय तक काम नहीं मिला, काफ़ी समय तक काम बंद रहा, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर का सामान है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मधुकौन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके जो JCB मशीनें हैं, साथ ही साथ ट्रक हैं, फोर्कलिन मशीनें हैं, साथ ही साथ आपको इंजन नज़र आएंगे, तमाम जनरेटर नज़र आएंगे, शेड बनाए गए हैं, ये सिर्फ रखे रखे खराब हो गए, क्योंकि बीच के कई वर्षों में इस परियोजना पर काम बंद हो गया था। दरअसल सांगली से कांग्रेस विधायक रहते अनिल बाबर ने सबसे पहले 1991 में लिफ्ट वाटर सिंचाई परियोजना की मांग की थी। योजना ये थी कि कृष्णा नदी के पानी को 200 फीट पंप के जरिए उठाकर पहाड़ी इलाके में बसे सांगली, सातारा, सोलापुर के 200 से ज्यादा गांव में पाइप के जरिए और पहाड़ी इलाके में नहर खोदकर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन संवाददाता मृत्युंजय सिंह बता रहे हैं, 28 साल बाद भी आखिर जनता के लिए शुरू की गई सिंचाई योजना का काम पहुंचा कहां पर? सांगली जिले की टेम्भी परियोजना पर पिछले 28 साल से काम चल रहा है। इस परियोजना के कुल 5 चरण हैं। 5 चरण में से 4 चरण के काम पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण का काम तेजी से चल रहा है। मैं 5वें चरण के कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं और यहां पर आप देखिए तो यह पंप हाउस बन रहा है। जो लिफ्ट वाटर इरिगेशन स्कीम है उसके तहत पानी यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पर पंप हाउस के जरिए और मशीनों के जरिए इस पाइपलाइन पे, जिस पाइपलाइन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आएगा और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, इस पाइपलाइन को दूर तक बिछाया जाएगा और नहीं है वो अलग अलग तालुकाओं में पहुँचेगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर 200 से अधिक गाँव उनको लाभ मिलेगा, 200 से अधिक गाँव में पानी पहुँचेगा जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए उपयोग में होगा। वक्त रहते ये योजना पूरी होती तो पश्चिमी महाराष्ट्र में लोग पानी के लिए नहीं तरसते और ना ही सूखे के कारण 2.5 दशक में किसानों की खेती बर्बाद होती। वक्त रहते अगर ये पूरी हो जाती थी, आज ये 3 साल में अगर पानी आया है तो ये 3 साल में इतना बड़ा यहाँ का खेती बड़ा है। मेरे गाँव में 200-250 एकड़ का अंगूर का बगीचा बड़ा है इस पानी। अगर ये 10-15 साल पहले बन जाती थी, आज 500-600 एकड़ अकेले मेरे गांव में अंगूर का बगीचा बढ़ता। 1991 में सिंचाई योजना की नींव रखते वक्त खर्च बताया गया था 700 करोड़ रुपए। 28 साल में योजना लटके रहने से 700 करोड़ की सिंचाई योजना 5000 करोड़ रुपए का बजट पार कर चुकी है। ये आम आदमी के पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब देते हैं कांग्रेस के विधायक रहते सिंचाई योजना की मांग रखने वाले अनिल बाबर, जो अब शिवसेना के विधायक बन चुके हैं। इच्छा शक्ति ज्यादा हो तो काम जल्दी होता है, ये योजना से मालूम पड़ा है। इच्छा शक्ति पिछले गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति स्टेट में रहती थी, सेंट्रल में नहीं रहती थी। सेंट्रल में इच्छा शक्ति नहीं होने के बारे में ये योजना को टाइम लगा। दरअसल 1991 में कांग्रेस की पवार सरकार महाराष्ट्र में थी। 1994 में भी कांग्रेस की सरकार रहते 700 करोड़ का प्रोजेक्ट देखा गया। 1996 में बीजेपी शिवसेना की सरकार रहते ये प्रोजेक्ट 1416 करोड़ रुपए का हुआ। 1999 में कांग्रेस NCP की सरकार में सिंचाई योजना को पैसों के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रहते सिंचाई योजना में दावा है कि तेजी कभी नहीं आई। 2014 में फडणवीस सरकार आने पर सिंचाई योजना को आर्थिक मदद मिली, लेकिन तब तक 700 करोड़ की योजना 28 साल में 5000 करोड़ रुपए की हो गई। हमारे देश में टैक्स चोरी पर जनता का पैसा काटा जाता है,
जुर्माना होता है, सजा होती है, जेल होती है, लेकिन योजनाओं को लटकाकर जनता का पैसा बर्बाद करने वाली ऐसी सरकारों और सिस्टम के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर सरकारी योजनाएं अटक क्यों जाती हैं, लटक क्यों जाती हैं, इसका सच अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दरअसल प्रोजेक्ट में देरी की वजह बनती है विभागों के बीच सहमति ना बन पाना, कोऑर्डिनेशन ना होना। एक योजना में कई विभागों की सहमति जरूरी पड़ती है। विभागों के एनओसी मिलने में होने वाली देरी से भी योजनाएं लटकती हैं। इसी महीने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बिहार में जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार की सुस्ती के कारण बिहार में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। सड़क, पुल, हाईवे जैसी प्रोजेक्ट समय से पूरे ना हो तो लाखों नौकरियां और जीडीपी को 4% तक का नुकसान होता है। और अब भी कितना नुकसान हो रहा है वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की उस सरयू नहर परियोजना के बीचों बीच में खड़े हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर, जिसमें पानी होना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना 40 साल से लटकी हुई है। देश में सरकारें विकास की तमाम योजनाएं लेकर आती हैं और हर योजना के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है। कोई योजना 1 साल तो कोई 2 साल तो कोई 5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई ऐसी भी योजना हो जो 40 साल से लगातार चल रही हो और 40 साल बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना की, जिस योजना को सरकार पूर्वांचल के 8 जिलों को लाभान्वित करने के लिए 1978 में लेके आई थी और 40 साल बीतने के बाद भी इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका। 40 साल में केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सबकी सरकारें आई और गईं, लेकिन 40 साल में उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। नहर के लिए खोदा गया हिस्सा सूखा का सूखा ही रहा। हालत ये हो गई कि 1978 में सरयू नहर परियोजना 75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई। उस सरयू नहर परियोजना की लागत 11,000 करोड़ रुपए पहुँच गयी। 40 साल में सरकारें सरयू नहर परियोजना पूरी नहीं कर पाई और लागत 146 गुना बढ़ चुकी है। और नहर के लिए जमीन देने वाले अब्दुल हमीद को पानी नहीं मिला, लेकिन आंखों में आंसू सरकारों ने जरूर दिए। जमीन अधिग्रहण हो गया लेकिन पानी का फायदा नहीं मिला, पानी का फायदा कुछ भी नहीं मिला था, पानी का फायदा कुछ नहीं मिला। ऐसा भी 1 महीना पहले अभी गेहूं के फसल में आग लगी और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। जाए जाए। कहाँ पे आपका ये भी सब गेहूं जल गया? जल गया। आपने क्या इसमें सूखी हुई थी? सूखी हुई थी, एक बूंद भी पानी नहीं था, ना उसका कोई पौधा भी लगा था। कितनी फसल नुकसान? 7 बीघा, 7.5 बीघा कैसे का? मतलब ये पूरा जो नहर है सूखी हुई? बिल्कुल सूखा हुआ था, बिल्कुल। बगल में आपके खेत में आग लगी और पानी डालने के लिए एक मग पानी? नहीं नहीं, सामने, हाँ सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आपने खेत भी दे दिया और आपको एक बूंद पानी का फायदा भी? जी नहीं, कभी नहीं मिला। अब यूपी की योगी सरकार ने दिसंबर 2019 तक सरयू नहर परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इस योजना में देरी का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ा है। श्रीमान जी, 30 साल से तो सरयू परियोजना पर पैसे ही नहीं मिले थे। पहली बार इस साल हमारी सरकार ने उस पर बजट की व्यवस्था की है और 1,650 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी मार्च के भीतर स्वीकृत किए हैं। तो जब 30 साल तक उसमें कोई काम ही नहीं हुआ तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? सरकारों की सुस्ती कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, कैसे जनता पर विकास के लिए टैक्स देने का बोझ चढ़ाती है, इसका जवाब संवाददाता रणवीर को जून महीने में रिपोर्ट तैयार करते वक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी ने दिया था। परियोजना का जो है मॉनिटरिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई जो है, और बहुत ही हैफजार्ड वे में जो है परियोजना को जो है मॉनिटरिंग की जाती है। आज के डेट भी जो है परियोजना पे धन आवंटित तो हो जाता है, लेकिन उसका कहाँ कैसे खर्च किया जाए इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है, और परियोजना जो है जहाँ पे आवश्यक होता है वहाँ कार्य न करके दूसरे जगह पे खर्च लोग कर देते हैं। पिछले वर्षों में जो है परियोजना को पूर्ण करने के लिए धनराशि मिलती थी, लोग जो है उसको परियोजना के मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कर देते थे,
और जिसके कारण जो है पैसे का दुरुपयोग होता था, फंड का डाइवर्जन किए और लोग जो है काम में भी जो है मतलब भ्रष्टाचार जो है घुस गया है। बस योजना बनाकर भूल जाने की यही बीमारी, योजनाओं का ऑडिट ना होना, निगरानी में कमी और सरकारी विभागों में तालमेल ना होने से देश में 369 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत 3,00,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 100 योजनाएं 2 महीने की देरी से चल रही हैं। 69 प्रोजेक्ट में 13 से 24 महीने की देरी हो सकती है। 91 योजनाओं में 25 से 60 महीने ज्यादा लग सकते हैं। 106 योजनाओं में 5 साल से ज्यादा की देरी हो सकती है। योजनाओं के लटकने से लागत बढ़ जाती है, इसकी कीमत देश के आम करदाता को चुकानी पड़ती है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर देश के विकास में ईमानदारी से टैक्स भरकर योगदान करता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, जनहित की योजनाओं को पूरा करने में होने वाली देरी के लिए जवाबदेही तय हो। तय वक्त में अगर कोई योजना पूरी नहीं होती तो जिम्मेदार प्रशासनिक विभाग ठेकेदार पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई हो। सरकारी विभागों में तालमेल के लिए सरकार तुरंत फैसले ले। किसी भी योजना में जमीन अधिग्रहण जब तक पूरा ना हो जाए तब तक योजना पर काम शुरू नहीं करना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट के लटकने पर लाखों का खर्च अरबों रुपए में ना पहुंचे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।